पर भी हम करेंगे चर्चा, लेकिन फिलहाल सीधे रुख करते हैं टॉप स्टोरीज आने की सुर्खियों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवे रायसीना संवाद का करेंगे उद्घाटन। ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारियाकोस मित्सोटाकिस होंगे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता। 3 दिनों तक वैश्विक मुद्दों पर होगा मंथन। ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारियाकोस मित्सोटाकिस आज प्रधानमंत्री के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर होगी बातचीत। प्रदर्शनकारी किसानों से केंद्र सरकार की शांति बनाए रखने की अपील। पंजाब के डीजीपी ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर क्रेन व भूस्खनन की भारी मशीनों को जब्त करने के दिए आदेश। पाकिस्तान में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ। बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग के बीच सहमति। शहबाज शरीफ होंगे प्रधानमंत्री तो आसिफ अली जरदारी बनेंगे राष्ट्रपति। FIH हॉकी प्रो लीग में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना नीदरलैंड से। टीम इंडिया ने पिछले मुकाबले में स्पेन के खिलाफ दर्ज की थी रोमांचक जीत। गुलमर्ग खेलो इंडिया विंटर गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी के लिए तैयार। खिलाड़ी स्नोबोर्डिंग, अल्पाइन स्कीइंग आदि खेलों में दिखाएंगे अपना दमखम। और हेडलाइंस के बाद चलिए अब मुख्य खबरों की बात कर लेते हैं।